नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं प्रदेश का विश्वसनीय चैनल प्राइम टीवी। चलिए शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज लोक भवन में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में औद्योगिक विकास, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े कई दर्जनों अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इस बैठक के बाद सीएम सभी विभागों के मंत्रियों के साथ सरकार के 100 दिन के एजेंडे पर भी मंथन करेंगे। कैबिनेट बैठक के बाद सुबह करीब 11 बजे सीएम मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ बैठक कर यूपी के विकास के लिए 100 दिनों में हुए कामों की चर्चा करेंगे। इसके साथ योगी सरकार 2.0 के गठन के साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी विभागों की समीक्षा कर उन्हें 100 दिनों का एजेंडा सौंपा था। सरकार के 100 दिन पूरे होने वाले हैं, लिहाजा इस एजेंडे पर कितना काम हुआ है इसको लेकर विभागों के मंत्रियों के साथ सीएम बैठक भी करेंगे। तो आपको बताते चले कि आज योगी सरकार की एक अहम कैबिनेट बैठक होने वाली है। इस दौरान कई प्रस्ताव ऐसे हैं जिन पर मुहर लगाई जा सकती है। मंत्रिपरिषद के साथ 100 दिन के एजेंडे पर सीएम योगी आदित्यनाथ आज चर्चा करेंगे। आपको बता दें चले कि जब सीएम योगी आदित्यनाथ अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत करने जा रहे थे तभी उन्होंने सभी विभागों के मंत्रियों को यह कह दिया था कि 100 दिनों में वो प्रदेश का कायाकल्प करेंगे और जितने भी लचर व्यवस्थाएं हैं प्रदेश के अंदर वो सभी सुचारू रूप से ढंग से चलाई जाएंगी। इसी पर काम करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ और उनके सभी मंत्री जमीनी स्तर पर काम करते हुए नजर आए। फिर चाहे वो कानून मंत्री हो, फिर चाहे वो खुद सीएम योगी आदित्यनाथ हो, फिर चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री ही क्यों ना हो, लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साथ उनके सभी मंत्री जमीनी स्तर पर काम करते हुए पूरी तरह से नजर आए और 100 दिनों का एजेंडा लिए सीएम योगी आदित्यनाथ के सभी मंत्री लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं। वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, अगर देखा जाए तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों के साथ बैठक की है और कई अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगाई जा सकती है। तो कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव है जिन पर मुहर लग चुकी है या लगाई जा सकती है जो सीधे तौर पर जनता को साधने के लिए होगा? जी बिल्कुल मुस्कान, आपको बता दें कि सरकार का जब उत्तर प्रदेश सरकार में योगी सरकार फिर से दोबारा में आती है तो उसे 2.0 कहते हैं। 2.0 सरकार में जब सरकार बनते ही पहले दिन घोषणा की गई थी कि सभी मंत्री जो प्रदेश की व्यवस्थाएं हैं उसमें 100 दिन के अंदर विकास का कार्यों का खाका तैयार करें। उसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से सेक्टर वाइज विभागीय तौर पर एक एक प्रेजेंटेशन लिया गया जिसमें सभी मंत्री अपने विभागों के बदलाव को लेकर साथ ही साथ 100 दिन के अंदर वो क्या काम करेंगे और क्या बदलाव ले आएंगे इसको लेकर मुख्यमंत्री के समक्ष प्रेजेंटेशन दिए। उसी क्रम में आपको बताएं कि आज राजधानी लखनऊ में लोक भवन में आज एक बैठक चल रही है जिस बैठक में माना यह जा रहा है कि शिक्षा, चिकित्सा, उद्योग और एमएसएमई के बढ़ाव को लेकर कुछ अहम प्रस्ताव भी पारित किए जा सकते हैं, उस पर चर्चा भी की जाएगी। वही मुस्कान आपको बताएं कि जब प्रदेश में सरकार दोबारा से आती है तो कहा जाता है कि उद्योग जगत को बढ़ाने के लिए यानी कि छोटे सूक्ष्म जो उद्योग है एमएसएमई उनको में बढ़ोतरी की जाएगी और कल एमएसएमई दिवस भी था जिसके अवसर पे तमाम निवेशक जो उद्यमी है वो लखनऊ आए थे और उस पर भी चर्चा की गई कि प्रदेश का जो मुख्यमंत्री का सपना है कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी प्रदेश की जो व्यवस्था है अर्थव्यवस्था उसको 1 ट्रिलियन इकोनॉमी ले जाए उसी क्रम में तमाम ऐसे कार्य किए जा रहे हैं। वही आपको बताएं कि उद्योग के अगर देखें तो उद्योग में अभी हाल ही के दिनों में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी करके 80,000 करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश के अंदर में निवेश की बात की गई। वहीं आपने देखा कि 200 से ऊपर कंपनियां आई थी जो उत्तर प्रदेश में अपना मैन्युफैक्चरिंग या ऐसे उद्योग के परियोजना लगाना चाहते हैं जिससे उत्तर प्रदेश के साथ साथ उन कंपनियों का भी विकास हो सके, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में रोजगार और स्वरोजगार के अवसर आए। वहीं अगर बात की जाए तो मेडिकल टूरिज्म को लेकर कहीं ना कहीं सरकार पिछली सरकार से ही उत्सुक रही है, उस पर काम करते रही है। मेडिकल टूरिज्म अगर देखा जाए तो अन्य राज्यों में है, जैसे कि साउथ के अगर राज्यों में देखें तो मेडिकल टूरिज्म का एक बेहद महत्व है और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो पर्यटक के विभिन्न स्थल है जो विश्वविख्यात है, तो साथ ही साथ जो हेल्थ टूरिज्म है उसको बढ़ावा देने के लिए भी काम किया जाएगा। वही आपको बताएं कि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि जितने भी प्रमुख नदियां हैं प्रदेश की उनके तटों पर हम जैविक विधि से वहां तमाम सब्जियां और फूल के उत्पादन करेंगे, इसके लिए भी काम चल रहे हैं। साथ ही आपको बताएं कि जहां उत्तर प्रदेश रोडवेज की तरफ से कहा गया था कि जो बदहाली व्यवस्था में उत्तर प्रदेश रोडवेज है
जिसमें आप देख सकते हैं कि शीशे से लेकर बस परी बेहद बुरी स्थिति में है। उसके बदलाव को लेकर परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा था कि हम बजट लेकर और 100 दिन के अंदर बसों के नए बेड़ों को परिवहन विभाग के अंदर ले आएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि मुख्यमंत्री की तरफ से आज की समीक्षा बैठक में जो 100 दिन का कार्य किए जाने का प्रस्ताव दिया गया था, उसमें उनकी तरफ से पूछा जाएगा किस तरह का कार्य हुआ है, साथ ही साथ अगर कुछ कमियां हैं तो उसके बारे में भी मुख्यमंत्री जानेंगे। तो इन सभी मुद्दों के साथ मुख्यमंत्री आज बैठक कर रहे हैं। जी विभांशु, अगर देखा जाए तो आप कहीं ना कहीं लोगों के बीच जाकर लोगों के मुद्दों को समझते हैं, साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि लोग जो है वो सरकार से कितने खुश नजर आ रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो अब सीएम योगी, जिन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही 100 दिनों का एजेंडा तय कर दिया था जो अब पूरा भी होने वाला है, तो क्या लगता है जनता सीएम योगी आदित्यनाथ के 100 दिनों के काम से कितनी संतुष्ट नजर आ रही है? जी मुस्कान, आपको बता दें कि अभी अगर देखें तो ऐसी व्यवस्था जो 100 दिन की बात की गई थी उसमें कुछ ऐसे जमीन पे नहीं दिख रहा है, मगर मंत्रियों की तरफ से साथ ही साथ जो विभाग के आला अधिकारी हैं उनकी तरफ से तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही आपके 100 दिन पूरे हो जाएंगे और विगत कुछ ही दिनों के अंदर 100 दिन पूरे हो जाएंगे, फिर ये साफ होगा और सामने होगा और उनकी तरफ से बताया जाएगा कि किस तरह का काम किया गया। मगर आप देख सकती हैं कि अभी परिवहन विभाग के अंदर साथ ही साथ अगर देखें तो सूबे के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक की तरफ से सभी जिलों में जो अस्पतालों में जो जिला अस्पताल है उसमें बेडों की संख्या बढ़ाने की बात कही गई थी। उसी क्रम में आपको बताया कि मुख्यमंत्री की तरफ से तमाम जिलों में भ्रमण करके और वहां की व्यवस्थाओं के बारे में जाना गया। तो अब 100 दिन पूरे होने के बाद ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह का कौन सा मंत्री किस तरह का काम किया है और मुख्यमंत्री इसकी समीक्षा ले रहे हैं और जिनके कामों में कमियां भी होंगी तो उनके मुख्यमंत्री की तरफ से उन्हें फटकार भी लगाई जाएगी कि इसे जल्द करें, क्योंकि मुख्यमंत्री का सपना है कि 100 दिन के अंदर हम प्रदेश को एक बेहतर बदलाव दे सके। तो अब देखने वाली बात होगी बैठक के बाद क्या निकल के आता है। वही आपको बताया कि आपने देखा कि सेक्टर वाइज और साथ ही साथ मंडल वाइज लोगों को विकास कार्यों में अपनी भागीदारी के लिए एक एक नेताओं को बनाया गया था। जैसे लखनऊ के अगर देखें तो यहाँ सुरेश खन्ना और अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद अंसारी को यहाँ का पर्यवेक्षक बनाया गया था। तमाम जो पर्यवेक्षक है उनकी भी नजरें रहेंगी कि 100 दिन के अंदर क्या है, उनकी तरफ से भी रिपोर्ट दिए जाएंगे। जी विभाषों का देखा जाए तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ एक अहम कैबिनेट बैठक लोक भवन में कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि कई विभाग हैं जिनकी कई परियोजनाओं पर मोहर लगाई जा सकती है, तो ऐसी कौन सी बड़ी परियोजनाएं हैं जिन पर प्रदेश की जनता की नजर बनी होगी या जो वो सरकार से उम्मीद कर रही है कि सरकार इस कैबिनेट बैठक में उनके इस प्रस्ताव पर मोहर लगा देगी? जी विस्तार आपको बताया कि अगर देखें तो मुख्य रूप से उद्योग, चिकित्सा और शिक्षा को लेकर कहीं ना कहीं सरकार इस पे बड़े प्रस्ताव पारित कर सकती है। मिली जानकारी के अनुसार अगर बात करें तो इन तीनों विभागों के अंदर में कुछ ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं प्रस्ताव पारित करके जो प्रदेश के विकास और आम जनमानस के लिए एक खुशी का पल होगा। तो देखने वाली बात ये होगी मुस्कान की जो बात की जा रही है कि प्रस्ताव पारित किए जाएंगे उसमें मुख्य रूप से इन तीन उद्योग और शिक्षा और चिकित्सा को देखा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि कोविड काल में प्रदेश की जो चिकित्सा व्यवस्था है उसकी पोल खुल गई, तो आने वाले समय के लिए सरकार कहीं ना कहीं अगर देखे तो उसपे काम करके और जो तमाम जनता के दिक्कतें हुई थी उसको ऐसी दिक्कतें ना है उस पर भी काम कर रही है। वही उद्योग की बात करें तो उद्योग जगत में अगर देखे तो कौशल विकास के तहत तमाम युवा आज बेरोजगार कहल रहे हैं, तो इन सब जो युवा है इनके लिए बेहतर काम करने के लिए उद्योग जगत में कुछ ऐसे प्रस्ताव भी लाए जा सकते हैं जिससे सीधा लाभ युवाओं को हो। वहीं अगर बात की जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में जो सरकारी अगर माध्यमिक की बात करें या उच्च शिक्षा की बात करें या बेसिक शिक्षा की, तो तीनों जो शिक्षा के प्रकोष्ठ है इन तीनों प्रकोष्ठों के अंदर में एक बेहतर बदलाव देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ कुछ ऐसे जगहों पे चाहे बात की जाए तो प्रदेश के सबसे कम साक्षरता दर वाले प्रदेश बहराई राज्य माफ करिएगा जिला बहराइच, इन सब जगहों पर कुछ ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं। जो जो छोटे जिला है जहाँ लिटरेसी रेट कम है
उनको आगे ला सके। जी बिल्कुल, धन्यवाद दिभांश इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज लोक भवन में सीएम योगी आदित्यनाथ एक अहम कैबिनेट बैठक कर रहे हैं। इस दौरान कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर कैबिनेट बैठक के दौरान उस प्रस्तावों पर मंजूरी लग सकती है। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ 100 दिनों के एजेंडे को लेकर भी काम करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कुछ ही दिनों में उनका 100 दिन का जो एजेंडा था उसकी एक समय सीमा पूरी होने वाली है। तो उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ आज सभी विभागों के मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। साथ ही साथ 100 दिन के एजेंडे पर भी चर्चा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान नजर आएंगे। कानपुर में बीती 3 जून को हुई हिंसा में पोस्टर छापने वाले शंकर लाल रहमानी को कोर्ट से पहली जमानत मिली है। वह इस मामले की जानकारी देते हुए एडवोकेट प्राणनाथ मिश्रा ने बताया कि न्यायालय के सामने सभी साक्ष्य पेश किए गए तो उसमें शंकर लाल रहमानी हिंसा के किसी भी मामले में दोषी नहीं पाए गए और ना ही वो जौहर फैन एसोसिएशन के किसी भी ग्रुप में पाए गए, जिसके बाद न्यायालय ने उन्हें 1 लाख के जुर्माने के साथ जमानत दे दी है। तो साफ तौर पर यह कहा जाए कि कानपुर हिंसा कोर्ट ने पहली जमानत पोस्टर छापने वाले शंकर लाल रहमानी को दे दी है, जिसके साथ ही न्यायालय ने उन्हें 1 लाख के जुर्माने के साथ यह जमानत प्रदान की है। तो आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं, ये वही युवक है जिसको कानपुर हिंसा में कोर्ट ने पहली जमानत दे दी गई है, जिनका नाम है शंकर लाल रहमानी। 3 जून की जो घटना है उसका एक अभियुक्त शंकर लाल रहमानी, जो रोमा ग्राफिक्स का मालिक है, पोस्टर छापे जाने का उस पर आरोप था, उस व्यक्ति की जमानत मेरे द्वारा और हमारे महामंत्री अनुराग श्रीवास्तव जी द्वारा लगाई गई थी। हम लोगों ने बहस की, पुलिस के प्रपत्र देखे गए और न्यायालय का मत ये हुआ कि ये व्यक्ति घटना में दोषी नहीं है, उसके खिलाफ कोई ऐसा एविडेंस नहीं था कि जो पत्रकारियों की भीड़ में शामिल रहा हो, क्योंकि वो व्यक्ति केवल पोस्टर छाप रहा था, वो भीड़ का पार्ट नहीं था, जौहर फैंस एसोसिएशन का मेम्बर नहीं था, नमाजी नहीं था, न ही वो कहीं भी ऐसे किसी क्रियाकलाप में शामिल नहीं था। हम लोगों ने ये तर्क न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए और न्यायालय ने उसे माना कि व्यक्ति निर्दोष है और बेवजह से जेल में निरुद्ध है, तो न्यायालय ने अपने आदेश में उसको जमानत पर रिहा किए जाने और 1-1 लाख रुपए की जमानत। मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का है, जहां बीते दिन लाइब्रेरी में शोर मचाने का विरोध करने पर एमयू के एक छात्र ने दूसरे छात्र पर चाकू से हमला कर दिया। वही अब इस मामले पर एक्शन लेते हुए एएमयू के प्रॉक्टर ने बताया कि बीते दिन एक छात्र द्वारा दूसरे छात्र पर नुकीले हथियार से हमला कर दिया गया था, जिसके बाद छात्र घायल हो गया था। फिलहाल प्रहार करने वाले छात्र को विश्वविद्यालय से निलंबित कर दिया गया है और पुलिस द्वारा उचित कार्रवाई भी की जा रही है। ये लड़का है मोहम्मद अनवार खान, बीएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का लड़का है, जिसको सस्पेंड किया है। और इस लड़के ने कल एक सुहेल हनीफ नाम के लड़के को तकरीबन 4:30 बजे लाइब्रेरी के सामने किसी धारदार चीज़ से उसके ऊपर हमलावर हुआ और उसको ज़ख्मी कर दिया। उसी मैटर को लेकर के हमने उसको सस्पेंड किया है, उसके खिलाफ एक FIR भी दर्ज हो गई है धारा 307 के तहत। और उसकी खबर गाजीपुर से है, जहां सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने रामपुर आजमगढ़ लोकसभा सीट की हार पर सपा नेतृत्व पर तंज कसते हुए कहा कि एसी कमरे में बैठकर चुनाव नहीं जीता जा सकता। आगे उन्होंने कहा कि सपा नेताओं को एसी कमरों से निकलकर जनता के बीच जाकर काम करने की बेहद ही ज्यादा जरूरत है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिम वोटरों को प्रशासन ने वोट तक नहीं डालने दिया। तारीख पर रोका गया ताकि वो बूथ पर न जाए, वोट का परसेंटेज कम हो जाए। आजमगढ़ की तुलना में रामपुर में वोट का परसेंटेज कम से कम बता रहा हूँ कि 17 से 18% कम है। ऐसे में आजमगढ़ की बात करें तो जो कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव का जो गढ़ कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं ये कि यादव का गढ़ को दूसरे यादव ने तोड़ा है। नहीं, पहले ये भारत और उत्तर प्रदेश कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। एक समय आया कि जनता पार्टी का गढ़ हो गया, फिर एक समय आया
जनता दल का गढ़ हो गया, फिर एक समय आया भाजपा का गढ़ हुआ, फिर एक समय आया बसपा और सपा का गढ़ हो गया, फिर एक समय आया है कि भाजपा प्रदेश और देश में अपना हरदोई के शाहबाद थाना क्षेत्र में एक पीड़ित ने ब्लॉक प्रमुख समेत कई अन्य पर मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है। आपको बता दें कि पीड़ित शिव कुमार और ब्लॉक प्रमुख ओम प्रकाश का 2003 से जमीनी विवाद चल रहा है, जिसका मुकदमा न्यायालय में आज तक विचाराधीन है। वह इस मामले पर पीड़ित ने आरोप लगाया कि विवादित जमीन पर दबंगों ने दबंगई दिखाते हुए निर्माण करने की कोशिश की। जब इसका विरोध पीड़ित पक्ष की महिलाओं द्वारा किया गया तो पहले उनके साथ अश्लील हरकत करने की कोशिश की गई और जब महिलाओं ने इस हरकत के खिलाफ आवाज उठाई तो दबंगों ने हमला करते हुए महिलाओं पर ही धारदार हथियार से कई वार कर दिए। वह इस मामले पर एसपी राजेश त्रिवेदी ने बताया कि दोनों पक्षों में निर्माण कराने को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें दोनों ही पक्षों के कई लोग बेहद ही गंभीर रूप से घायल हुए हैं। वही एक पक्ष की शिकायत पर पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच में जुटी हुई है, जबकि दूसरे पक्ष की भी शिकायत पर जांच कर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और जो भी दोषी होगा उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। हाँ, शाहबाद में संज्ञान में आया है किसी विवादित प्लाट के संबंध में प्रकरण सामने आया था, जिस पर अधिकारियों के निर्देश पर उस प्लाट की मार्किंग करके जो विपक्षी हैं उनके उनको दिया गया था कि उन्हीं का है। इसमें कल रविवार को वो लोग अपना निर्माण कर रहे थे, जिसमें ज्ञात हुआ है कि ये जो घायल महिलाएँ हैं ये आक्रामक होकर उन पर हमला कर दिया। दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ, उस पक्ष को भी चोटें आई हैं, जिस पर अभियोग पंजीकृत है थाना शाहबाद में। इस पक्ष की ज्यादा जानकारी के लिए हरदोई से हमारे संवाददाता हर्षराज जुड़ चुके हैं। हर्षराज, हरदोई से एक खबर निकल के सामने आ रही है जहां महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और मारपीट का मामला निकल के सामने आ रहा है, तो क्या कुछ है ये पूरा मामला? मामला ये जमीनी विवाद का है जो 2003 का है। मामला न्यायालय में चल रहा है, लेकिन जो यहाँ के वर्तमान ब्लॉक प्रमुख जो दिव्रेश मिश्रा हैं उनके अन्य सहयोगियों ने मारपीट की है। लेकिन मामला जब कोतवाली गया, साहबा कोतवाली, तो वहाँ पे पीड़ित पक्ष जो जिसके साथ मारपीट हुई थी तो उसका मुकदमा तक नहीं लिखा गया। लेकिन जब जिले पे आने के बाद यहाँ के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने संज्ञान लिया, फिर उसके बाद जो साहबा कोतवाली को कहा है कि मामला दर्ज किया जाए। जी, तो हर्षराज सिंह, इस मामले पर अभी तक पुलिस द्वारा क्या कुछ एक्शन लिया गया है? अभी कोई एक्शन नहीं लिया गया कि मामला सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, भाजपा सरकार है और भाजपा के ही ब्लॉक प्रमुख हैं, कहीं न कहीं सत्ता पक्ष का दबाव होते हुए इनका मामला अभी भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। जी, धन्यवाद हर्षराज सिंह इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अलीगढ़ के जवा थाना इलाके के रियाज कॉलोनी की रहने वाली एक किशोरी मछली पकड़ने गई थी, जबकि वहां एक पक्ष और मछली पकड़ रहा था। इस दौरान दूसरे पक्ष ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ कर दी। वह जब इस घटना की जानकारी किशोरी ने अपने भाई को दी थी, पीड़िता के भाई ने आरोपी पक्ष का विरोध कर शुरू कर दिया, जिससे गुस्साए आरोपी पक्ष ने किशोरी के भाई पर हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया है। साथ ही मामले की अब जांच पड़ताल में भी जुट गई है। शाम को थाना जमा क्षेत्र में रियाज कॉलोनी एक एरिया पड़ती है, वहां पर दो पक्षों के बीच मछली तालाब में मारने को लेकर एक विवाद हुआ था, जिसमें एक पक्ष द्वारा एक लड़के को चाकू मारा गया था। उसमें उस लड़के की जेएन मेडिकल कॉलेज में डेथ हो गई थी। इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया, टीमें लगाई गई और टीमों को लगाने के उपरांत अभी तक तीन नामजद में से दो नामजद अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अलीगढ़ थाना क्षेत्र के गांव बोल्ला में संपत्ति की लालच में बेटों ने अपनी ही बूढ़ी मां के साथ मारपीट करते हुए अपने ही बड़े भाई पर मां के अपहरण और हत्या का आरोप लगाया है, जिसके बाद बूढ़ी मां ने एसएसपी कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाते हुए बताया कि उसके कुल 5 बेटे हैं और जब उसके पति की तबीयत खराब थी तो उसके बीच वाले बेटे ने उनकी और उनके पति की देखभाल की थी, जिसके बाद मां ने अपनी जमीन अपने बेटे के नाम कर दी थी, जिसको लेकर दो बेटों ने उसका विरोध किया और मां के साथ जमकर मारपीट की। अरे उसे मुझे मारपीट की,
मारपीट करी, एक पुत्र अपहरण करके ले जा रहे थे गाड़ी में रख के, अच्छा वाले ने छोड़ा दिया। हाँ। और आगे बाद में ये 10 तारीख की घटना थी, और उसमें 25/5 में और मैं फिर जतवाने के लिए गया, भर गए सब लोग आ गए वहाँ। अच्छा आप बता रहे हैं कोई मुकदमा वगैरह भी वो करवा रहे हैं क्या है वो? मेरा मुकदमा नहीं लिया है पुलिस ने। हाँ तो वो झूठा मुकदमा क्या करवा रहे हैं? वो ये कि मेरी सोने आभरण बलरामपुर जिले के हरैया थाना क्षेत्र में साप्ताहिक बाजार से सामान खरीदने के लिए पड़ोसी देश नेपाल से आए दो युवतियों के साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक पुलिस अधिकारी ने जानकारी दी कि उन्होंने बताया कि मामले के चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार के मुताबिक नेपाल के दांग जिले में रहने वाली दो युवती सीमावर्ती क्षेत्र मणिपुर बाजार में साप्ताहिक बाजार से सामान खरीदने आ रही थी, तभी रास्ते में बलरामपुर के हरैया क्षेत्र में पड़ने वाले जंगल में चार लोगों ने उन्हें रोककर उनके साथ कथित तौर पर सामूहिक दुष्कर्म किया। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नेपाल राष्ट्र के जिला डांग के कुछ लोग थाना हरैया पर आए, उनके द्वारा बताया गया कि उनकी क्षेत्र की कुछ युवतियां हरैया के मणिपुर बाजार में कल सुबह 9:30 बजे साइकिल से जा रही थी, तो महादेव बांकी जंगल में चार व्यक्तियों द्वारा उन्हें रोककर उनमें से दो युवतियों के साथ बलात्कार किया गया और अन्य के साथ छेड़खानी की गई। उक्त सूचना पर तत्काल थाना हरैया पर अभियोग 376D 341 354 IPC व 5/6 तथा 7/8 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत दो नेपाली युवतियों के साथ दुष्कर्म का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। इस दौरान युवतियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि जंगल में उनके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद पुलिस द्वारा उन दोनों ही युवतियों के बयान पर कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही ये भी पुलिस द्वारा कहा गया है कि चार आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो एक सनसनीखेज मामला बलरामपुर से सामने आ रहा है, जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा ये दावा और वादा किया जाता है कि महिलाएं प्रदेश में पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन जब भी कोई ऐसी खबर निकल के सामने आती है तो उससे साफ तौर पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने के साथ साथ जो सरकार है उसको उसके भी दावों पर सवाल खड़े होते हैं कि आखिर किस तरह से हमारा पुलिस प्रशासन काम कर रहा है जो आज तक महिलाओं के खिलाफ अपराध नहीं थम रहे हैं। वह जब ये खबर बलरामपुर से निकल के सामने आई तो कहीं ना कहीं इसने पूरी तरह से प्रदेश को दहला दिया कि जहां एक तरफ पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट होने का दावा करता है, जहां ये साफ तौर पर कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो स्क्वाड पूरी तरह से सक्रिय है, उसके बावजूद भी आखिर जो आरोपी है उनके हौसले इस कदर बुलंद हो जाते हैं कि वो आज भी दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने से नहीं कतराते हैं। तो इससे साफ तौर पर जो सरकार है उस पर सवाल खड़े होते हैं, जो प्रदेश की कानून व्यवस्था है उस पर साफ तौर पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है कि आखिर किस तरह से जो हमारा प्रदेश है वो काम कर रहा है, जो हमारे प्रदेश की पुलिस है वो किस तरह से काम कर रही है कि अभी तक महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है वो नहीं थम पा रहे हैं। जहां भारत और नेपाल का रोटी और बेटी का रिश्ता है, तो वहीं अब उस रिश्ते को कलंकित करने में अब लग गए हैं वो हैं हवस के शिकारी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बलरामपुर जनपद की, जहां बलरामपुर जनपद के थाना हरैया क्षेत्र में नेपाल राष्ट्र की छह युवतियां साप्ताहिक बाजार करने के लिए आई हुई थी, जहाँ हरैया क्षेत्र के चार युवक उन लोगों के साथ में दो युवतियों के साथ में सामूहिक दुष्कर्म किया बारी बारी से और वहीं चार लड़कियों के साथ छेड़छाड़ किया। जब इसकी शिकायत जो नेपाल युवतियां थी वहां की पुलिस से की, जहां नेपाल की पुलिस और जो युवती थी उनकी मां पहुंची और थाना हरैया में शिकायत प्रार्थना पत्र दी, जहां थाना हरैया की पुलिस और बलरामपुर की पुलिस तुरंत तत्काल चारों आरोपी जो थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बलरामपुर प्राइम टीवी उत्तर प्रदेश, अमित कुमार। बलरामपुर से हमारे संवाददाता अमित जुड़ चुके हैं। अमित, बलरामपुर से एक सनसनीखेज वारदात निकल के सामने आ रही है जहां पर दो नेपाली युवतियों के साथ दुष्कर्म किया गया, क्या कुछ मामला निकल के सामने आ रहा है? जी, मैं आपको बता दूं, ये मामला ये बलरामपुर जनपद का है जहां भारत और नेपाल का रोटी बेटी का रिश्ता है, लेकिन इस रिश्ते को तार तार करने में अब हवस के शिकारी लग गए हैं। जी, मैं बता दूं कि ये नेपाल राष्ट्र की छह युवतियां थाना हरैया क्षेत्र के मणिपुर में साप्ताहिक बाजार करने के लिए आई हुई थी,
जहां पहले से घात लगाए चार युवक बैठे हुए थे, जहां उन छह युवतियों के साथ चार युवतियों के साथ उन लोगों ने छेड़छाड़ किया, वहीं दो युवतियों के साथ जो सगी बहन थी उनके साथ दुष्कर्म किए बारी बारी से। वहीं जब ये पीड़िताएं जब अपने घर नेपाल राष्ट्र पहुंची तो अपनी आप बीती अपनी माँ को बताया, जहाँ माँ जो नेपाल राष्ट्र की पुलिस थी पुलिस को लेकर भारत में पहुंची, जहाँ थाना हरैया में लिखी शिकायत पर आना पद दी, जहाँ बलरामपुर जनपद की पुलिस तत्काल जो चार आरोपी थे उन्हें महज 3 घंटे में गिरफ्तार कर लिया और उनसे पूछताछ करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया। लेकिन अब वही ये भी बात अब है कि जैसे देखिए भारत के ऊपर ये नेपाल के जो है लोग विश्वास करते थे, अपना आंगन समझते थे और इनका सदियों से रोटी और बेटी का रिश्ता था, लेकिन अब इस रिश्ते को तार तार करने में ये जो हवस के शिकारी हैं अब लगे हुए हैं। लेकिन अभी तक देखा जाए तो पुलिस द्वारा अभी तक ये कहा जा रहा है कि कथित तौर पर बलात्कार का मामला सामने आया है, तो क्या मेडिकल रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि उनका वाकई में बलात्कार किया गया था? जी जी बिल्कुल, मेडिकल चेकअप उनका कल महिला चिकित्सालय में लेकर गए थे पुलिस परीक्षण करवाने के लिए, संयुक्त जिला चिकित्सालय में लाए थे, लेकिन रिपोर्ट आना बाकी है। लेकिन एसपी के मुताबिक जो एसपी ने बाइट में कहा है, एसपी ने बताया है कि ये जो अपराधी हैं जो आरोपी हैं इनके खिलाफ एनएसए लगाएंगे, गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी और 376D से लेकर कई संगीन धाराओं में इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। धन्यवाद अमित कुमार इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सोनभद्र में चौकी डाला पुलिस द्वारा वैष्णो मंदिर के पीछे सोन नदी से अवैध खनन करते हुए पुलिस द्वारा देर रात एक बालू लदा कब्जे में लिया गया। इस दौरान खननकर्ता और चालक अंधेरे का फायदा उठाते हुए मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश अब पुलिस द्वारा की जा रही है। जबकि खननकर्ता की पहचान तो हो गई है, लेकिन ट्रक चालक की पहचान जुटाने में पुलिस टीम पूरी तरह से जुटी हुई है। मैनपुरी पुलिस ने दो बाइक चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों युवकों के पास से चोरी की 5 बाइक बरामद हुई है। वहीं आरोपियों के कब्जे से 4 बाइक और चोरी करने की घटना को कबूल भी किया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों छात्र चोरों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। नूरपुर थाना क्षेत्र में एक जनसेवा केंद्र संचालक के साथ एक लूट की घटना हुई थी और जिसकी आज खुलासा किया जा रहा है। इसमें हमारी स्वाट सर्विलांस टीम और नूरपुर पुलिस द्वारा जो है एक शातिर जो है चोरों का एक गैंग पकड़ा गया जो है लुटेरों का जो है, जिसमें 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। इनके नाम है मोहित उर्फ रेंचो, गणेश शर्मा, जीशान और कार्तिक। अभी इसमें एक अभियुक्त सानू जो है वो फरार है, जिसकी तलाश हम लोग कर रहे हैं। ये लोग एक जो है बड़ी घटना करने की योजना बना रहे थे और उस योजना बनाने के दौरान पुलिस को सूचना। लखीमपुर खीरी के कोतवाली मोहम्मदी क्षेत्र में अपराधियों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। वही अब अपराधी इस हद तक बेखौफ हो चुके हैं कि वो दिन दहाड़े भी फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला कोतवाली मोहम्मदी क्षेत्र का है, जहां जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने पहले तो युवकों को गोली मारकर घायल कर दिया, जिसके बाद दबंगों ने बाइक में भी आग लगा दी। वही इस पूरे मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक ने युवक को आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदी में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज डॉक्टर द्वारा किया जा रहा है। श्रावस्ती से एक बाइक चोर का मामला सामने आया है, जहां एक छात्र चोरों ने स्कूटी की डिग्गी से 56,000 रुपए लेकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार युवक स्कूटी को खड़ी करके चाय पीने के लिए चला गया था। इस बीच चोरों ने इस घटना को अंजाम दे दिया और ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वही करीब 11:30 बजे हमने इलाहाबाद बैंक से 50,000 रुपए निकाला और उससे पहले 7,600 रुपया और हमारे पर्स में रहा। वो सब पैसा रख कर हमने अपने डिग्गी में रखे और फिर वहाँ से सीधे यहीं आए और गाड़ी इसी जगह खड़ा करके और चाय पीने के लिए जो बहुत मुश्किल तमाम 15 मिनट लगा होगा उसी बीच आया और डिग्गी हमारा नोच कर और खोल के लेकर गया यहाँ से और पैसा निकाल कर और बैग हमारा जाकर फेंका मिठाई लाल जी का जो होटल है वहाँ दहाना के पास उसके सामने फेंका। तो वहीं मिठाई लाल जी के कैमरे से बाकायदा निकला हुआ है
और बस शक्ल उसकी नज़र नहीं आई, बाकी सुल्तानपुर के कूड़ेभार थाना क्षेत्र के पदुमारा बेनी सांगो गांव में लाखों रुपए की लागत से बने चक्रोड को दबंगों ने जेसीबी लगाकर गड्ढे में तब्दील कर दिया है, जिसके बाद ग्रामीणों और प्रधान ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। वहीं इस मामले पर ग्रामीणों का कहना है कि दबंगों ने पुलिस को भी धमकाया है। आगे लोगों ने जिलाधिकारी को बताया कि चक्रोड ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जहाँ से लोगों का आवागमन दूसरे जनपदों में भी होता है। मामला ये था सर कि हमने जो है एक चक्रोड बनवाया जो 25 साल पुराना बना हुआ था, उस पर हमने काम कराया। गांव के लोगों ने जिसे भी दो आदमी अनिल और योगेश दोनों आदमी मंगा के जिसे भी से गिरवा दिए और हमने 100 नंबर 112 पे डायल किया। पुलिस आई तो उन्होंने पुलिस को भी धमकाया और बोले कि हमारे पास आदेश है चक्रोड ठेलने को। पुलिस वाले बोले कि आपके आदेश कहाँ लिखा है इसके कि आप जेसीबी मंगा के और चक्रोड तोड़ दीजिए, और बोले कि आप थाने आइए, जेसीबी भी आए। अभी वो लोग कह रहे हैं संबल में केंद्र सरकार के अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी वर्करों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है और वहीं राष्ट्रपति के नाम डीएम को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक ज्ञापन भी सौंपा है। साथ ही अग्निपथ योजना वापस लेने की भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा मांग उठाई गई है। तो इस दौरान आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि उस तरह से संबल में अग्निपथ योजना के खिलाफ जो कांग्रेस कार्यकर्ता है वो सड़क पर बैनर और पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हम मांगों को लेकर चलेंगे, ये अग्निपथ योजना के खिलाफ सत्याग्रह, और हम इस सरकार के सारे कारनामों को का पर्दाफाश करने के लिए बैजू जाएंगे, वहाँ ज्ञापन देंगे। जैसे महंगाई पर कंट्रोल नहीं है, किसानों के साथ धोखा हुआ है, और एक बड़ी खबर ये है कि युवाओं के साथ एक धोखा होने जा रहा है जो 4 साल के लिए एक सेना की भर्ती हो रही है, वो हमारा युवा। औरैया से एक दर्दनाक हादसे का मामला सामने आया है, जहां गाय को बचाने के चक्कर में एक कार पलट गई और कार में सवार 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक मासूम बच्ची गंभीर रूप से घायल हो गई। फिलहाल घायल बच्ची का अस्पताल में इलाज चल रहा है। क्या हादसा हुआ, कौन है ये आपके? सर दीदी है, हमारी गाड़ी से जा रही थी अपने ससुराल। क्या नाम है इनका? साधना गुप्ता। कहाँ है ससुराल इनके? कुर्रारामपुरा। क्या एक्सपायर हो गई दीदी? हाँ सर एक्सपायर हो गई। किससे जा रही थी, किस गाड़ी से जा रही थी? एसयूवी थी सर, गाड़ी पलट गई सर। गाड़ी पलट गई, ये बच्चा घायल है। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश के तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।